हमें बचपन से सिखाया गया है कि एक हाथ से क्रैब कैसे खाते हैं, दो हाथ के साथ नहीं। म्हणजे मराठीमध्ये बोलतात की जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी आम्ही हा गटारी महोत्सव साजरा केलेला आहे। जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी द स्पाइसेस आर अ लिटल साउथ इंडियन, उसमें ग्रीन चिली, गार्लिक और कड़ी पत्ता का फ्लेवर है। इसके जो अलग अलग मसालों के फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छी तरह से उभर के आ रहे हैं। नली तो मुझे हमेशा ही मिलती है। गेट रेडी क्योंकि श्रावण आ रहा है और आप सभी जानते हो कि श्रावण में हम सब उपवास करते हैं। उपवास मतलब मटन बंद, चिकन बंद, फिश बंद एंड अबव ऑल दारू बंद। बिफोर श्रावण बिगिंस एंड बिफोर दैट पीरियड ऑफ एब्सटिनेंस बिगिंस, इन महाराष्ट्र वी हैव अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल कॉल्ड गटारी। गटारी एक पारंपरिक उत्सव है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वेयर जस्ट बिफोर द मंथ ऑफ श्रावण बिगिंस वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ मीट एंड फिश एंड नॉन वेजिटेरियन फूड एंड गेट ड्रंक, विच ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू डू टुडे एंड आई एम गोइंग टू अब्सटेन फ्रॉम, बट फूड आई विल ईट बिकॉज दैट्स द फेस्टिवल ऑफ गटारी एंड फॉर दैट I have come to Nava Mejwani in Dadar who have a special Gatari menu. So chalo, let's celebrate Gatari at Nava Mejwani and ask them ke khane mein kya hai. Let me tell you, this location is iconic because this used to be Mejwani in the old days. I used to come here regularly and in Dadar everybody knew Mejwani. It was run by Shailesh Mahatre and today it has a new avatar which is called Nava Mejwani. But before we attack the food, let's go into the kitchen and meet Chef Pankaj and find out what we are eating. पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि शेफ पंकज जो है वो हमारे चैनल पे थर्ड टाइम आ रहे हैं। इसका मतलब इनका खाना कितना अच्छा है इसी से पता चलता है। पंकज, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। अभी आज जो कारण है वो गटारी है, और इससे पहले कि मैं आपको पूछूं कि हम क्या खाने वाले हैं या खाने में क्या है, आप मुझे थोड़ा गटारी के बारे में बता देना। गटारी होता क्या है? गटारी बेसिकली एक महाराष्ट्रीयन लोगों में ये थीम है कि अभी आषाढ़ खत्म होने वाला है। ओके, आषाढ़ का महीना, उसके बाद श्रावण लगने वाला है। करेक्ट। तो उसके पहले हम लोग को जितना भी मांसाहार हम लोग कर सकते हैं हम लोग को करना है। उसमें फिश है, मटन है, चिकन है, सब है, क्योंकि श्रावण चालू होते ही इन लोग का ब्रीडिंग चालू हो जाता है। फिश का ब्रीडिंग, फिश का और एनिमल्स का। और श्रावण के बाद भी काफी उपवास ही आते हैं ना? उपवास ही रहता है श्रावण में, जो उपवास चालू होता है। तो उसके बाद वो गणपति रहता है, फिर पितृपक्ष रहता है, फिर उसके बाद नवरात्रि रहते हैं, फिर उसके बाद लोग खाना खाते हैं। मतलब ये तो बहुत सारे मंथ्स महीने वेजिटेरियन खाते हैं लोग, इसलिए इससे एटलीस्ट महाराष्ट्र में इससे पहले कि वेजिटेरियन शुरू हो जाए, इसके लिए म्हणजे मराठीमध्ये बोलतात की जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी आम्ही हा गटारी महोत्सव साजरा केलेला आहे। जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी, आय लव इट। आणि आज व्हाट आर वी गोइंग टू ईट टुडे, क्या है, क्या आज क्या गटारी स्पेशल मेन्यू जो है यहाँ नव मेजवानी में क्या है? हाँ, तो है अपने पास। तो आज स्टार्टर्स में हमारे पास है प्रॉन्स रवा फ्राई, लवली, फिर पॉम्फ्रेट पुरचुंडी, फिर बोम्बिल भरले प्रॉन्स, बोम्बिल विद प्रॉन्स इनसाइड स्टफ्ड, ओके, और फिर तीसरा मसाला जो मुझे बहुत, आपको भी पता है मुझे भी पता है, मुझे तीसरा मसाला बहुत पसंद है, और चिंबोरी कालवण, क्रैब, मटका आगरी मटन, ओके, मटन चॉप्स, चिकन खरड़ा which is very spicy. Okay. This is our Gatari menu which is coming to the table now.
बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे बैठा और इतना सारा खाना सामने है। लास्ट टाइम ऐसे हुआ था वो अभी 3 दिन पहले हुआ था। फिर भी सब पूरा मेरा गटारी का जो फीस्ट है सामने है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि क्या है। ये फ्राइड प्रॉन्स है, यहाँ बोम्बिल स्टफ्ड विथ प्रॉन है, यानी बोम्बिल डीप फ्राइड लेकिन अंदर छोटे छोटे प्रॉन्स है। ये तीसरा मसाला है, ये आगरी मटन है, ये चिकन गाउठी चिकन है, ये क्रैब मसाला है और ये है पॉम्फ्रेट पुरचुन्नी। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ प्रॉन से क्योंकि ये छोटे हैं, सामने ही है और मुझे बहुत पसंद है प्रॉन से। और इससे पहले के जो वड़े हैं जो पूरी जैसे होते हैं लेकिन उनमें मसाला होता है, ठंडे हो जाए वड़े, मैं मटन लेता हूँ और शुरुआत करता हूँ। प्रॉन स्पाइसी थे, फ्राइड प्रॉन्स, बाहर से रवा अंदर से मसाला, और मुझे लगता है कि जो गटारी का सब खाना है वो स्पाइसी ही होने वाला है। आगरी मटन जो है इनका भी एक स्पेसिफिक मसाला होता है, आगरी मसाला, जो मटन में जाता है और बाकी के खानों में भी जाता है। रेड कलर का मसाला होता है, स्पाइसी होता है ये, और मैं स्पाइसी ये शब्द बहुत यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, इसके जो अलग अलग मसालों के फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छी तरह से उभर के आ रहे हैं। नली तो मुझे हमेशा ही मिलती है। चलो अब ये बोम्बिल स्टफ विद प्रॉन्स ट्राई करें। बोम्बिल जो मुंबई में नहीं रहते उनको मैं बता दूं कि बोम्बिल ये एक सॉर्ट ऑफ जेलेटिनस फिश होता है, फ्रेश जब मिलता है मुंबई में तो बहुत अच्छा लगता है और वो उसमें मॉइस्चर बहुत सारा होता है। तो व्हेन यू कुक इट यू कैन आइदर कुक इट विद द मॉइस्चर इज नाइस एंड जेलेटिनस और यू कैन ड्राई इट आउट। और अंदर की का जो मसाला है उसमें थोड़ी हरी चटनी है और थोड़ा मीठा तीखा प्रॉन, छोटे छोटे प्रॉन मसाला में रैप किया हुआ है उसको और फिर रवा के साथ फ्राई किया है। क्वाइट नाइस एक्चुअली। ओके अब क्या खाएं? अब गाउठी चिकन लें। गाउठी चिकन भी एक डेलिकेसी होती है, उसका अलग ही टेस्ट होता है उसका, और पकने में थोड़ा टाइम लगता है उसे, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा गेमी रहता है। और चिकन का खरड़ा भी बनाते हैं। चिकन खरड़ा एक जैसे ठेचा होता है ना, महाराष्ट्र ठेचा, उसके साथ जो मिर्ची, हरी मिर्च यानी कोरिएंडर डाल के हरा मसाला के साथ तो चिकन खरड़ा बनता है, उसे भी ट्राई करते हैं। चलो चिकन खरड़ा, ये वेरी वेरी टिपिकली महाराष्ट्रन चिकन है। Bursting with the flavor of green chili and coriander, garlic, ginger, no red spices at all. It's just like eating lasan, a lot of garlic. Just imagine garlic, green chili, coriander, you pound it together, cook it together with chicken, and this is what it tastes like. Oh, ho, ho. Kharada, remember the word. Okay. अभी वड़े तो है ही, लेकिन मेरे पास राइस भाकरी है, चपाती है और अम्बोली है। अम्बोली ऑल्सो पैनकेक मेड ऑफ राइस, जैसे डोसा होता है ना, उसी फैमिली में है। और अम्बोली का साइट्री स्वीट,
स्लाइटली सावर क्योंकि फर्मेंटेड है, फ्लेवर आता है और ये स्पाइसेस के साथ अंबोली इट गोज रियली वेल। नाउ माय फेवरेट तिसरा, क्या कोई बता सकता है मुझे कि मैंने कितने एपिसोड में तिसरा खाए हैं? अगर आप शुरुआत से देखें हमारे खाने में क्या है कि एपिसोड्स, तो कितने एपिसोड्स में मैंने तिसरा खाए हैं? जो करेक्ट बताएगा उसे हम क्या भेजेंगे, टी शर्ट भेज सकते हैं क्या या स्वेट शर्ट भेज सकते हैं? तो राइट टू अस एंड टेल अस हाउ मेनी एपिसोड्स हैव आई ईटन तिसरा। फैबुलस। नाउ द पॉम्फ्रेट, मैंने क्रैब लास्ट के लिए रखी है क्योंकि सबसे ज्यादा समय उसे खाने को जाता है। द पॉम्फ्रेट इज फ्रेश फ्रॉम द सी एंड दैट्स द वे अ पॉम्फ्रेट शुड बी एंड दैट्स द थिंग अबाउट मुंबई पॉम्फ्रेट। The spices are a little South Indian. उसमें green chili, garlic और कड़ी पत्ता का flavor है और क्योंकि इसे wrap करके fry किया है, ये जो banana leaf का जो smokiness अंदर के अंदर रहता है वो भी quite unique है। अगर आप पात्रानमा मच्छी देखो जो पारसी लोग का होता है जहाँ where they use green chutney, this is completely different. Although this is also wrapped in a banana leaf. Okay, what is the chop? Which is the mutton chop which I'm taking right now from here, which is probably the finest piece of the goat, part of the goat, the chops. Yeah, jo kehte hai na seena. Yeah, God. Tender meat. All in Marwadi style masala. Abhi, because it is Gatari, and in Gatari, spare parts are revered. There was going to be paya and bheja and everything else, but I've just stuck to liver, kaleji, because there's only so much that I can eat. Honestly, you know. Oof, the richness, the creaminess, the meatiness of kaleji. It's a beautiful chimbori or crab. और जब भी मैं चिंबोरी या क्रैब खाता हूँ मैं हमेशा शो ऑफ करता हूँ क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि एक हाथ से क्रैब कैसे खाते हैं, दो हाथ के साथ नहीं, औजारों का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे। और देखो ऐसे खोलोगे ना पूरा सॉफ्ट फ्रेश निकल आता है। आई मेड सच अ मेस इन माय प्लेट ना, बट कटारी इज अबाउट अ मेस, इट्स अबाउट हैविंग अ रियली गुड टाइम बिफोर द फास्टिंग बिगिंस। One of these is a must. Oh, lovely. And this is how it should come out. Like a lollipop. Hey, Bhagwa. And one more lollipop. और इसी के साथ हमारी गटारी खत्म हो गई। बहुत खाया है अभी, इसके बाद उपवास करेंगे।
मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसके बाद और आएंगे, और एपिसोड्स करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। सो फॉर ऑल ऑफ यू हु आस्क मी व्हाट हैपेंस आफ्टर द फूड, पंकज बालूजी बोलता था मैं जास्ती खाता हूँ ना, देन आई वांट टू शो देम दिस। ओके, दिस इज There is no food wastage. There is no food wastage. Never. Yeah. सब खा रहे. सिर्फ ये दो वेजिटेरियन नहीं खा रहे। श्रावण है ना? श्रावण है नहीं, गटारी है। श्रावण नहीं है। Crab skills are something. हाँ? Crab skills are something. Something else. We should start a workshop with you. We work crab. 101. Anything with our one hand. And my grandmother used to say, this finger should also not get spoiled. ऐसे करना है पूरा।